अगेन वी आर हैविंग सिचुएशन लाइक इनइक्वालिटी। देखो इसमें कहा जा रहा है ना कि इस रीजन का एरिया फाइंड करो। रीजन क्या है? इस पॉइंट से बना हुआ है। ये पॉइंट कहां से आएगा? इन दोनों को सेटिस्फाई करने से। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको लिख लें जो इंफॉर्मेशन गिवन है। हियर वी आर हैविंग y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4x एंड द सेकंड वन इज 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 9। देखो बेटा इसका अगर हम लोग करस्पॉन्डिंग इक्वेशन पता करें, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन अगर पता करें तभी हम लोग इस इनइक्वालिटी को समझ पाएंगे। तो करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस आर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x जो कि क्लियरली एक पैराबोला है, राइट हैंड साइड पैराबोला है। सेकंड 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9 जिसको हम लोग इतना लिख सकते हैं, 4 कॉमन ले लो तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4। साफ देख रहा हूं कि एक सर्कल का इक्वेशन है और एक पैराबोला है। देखो बेटा जैसे ही सर्कल या इलिप्स आ जाए इस टॉपिक के भीतर तो समझ लो कि हम लोगों के पास अंडर रूट ये वाला इंटीग्रेशन आने वाला है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जिसको कि हम लोग जानते हैं कि होता कितना है इसका इंटीग्रेशन, एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। देखो इसको अगर तुम नहीं जान रहे हो तो जरूर से याद कर लो, एरिया बाउंडेड में और डेफिनेट ये डिफरेंशियल इक्वेशन में ये बहुत यूज होने वाला है। तो बहुत साधारण है, इससे रिलेटेड तीन स्पेशल इंटीग्रेशन आपने पढ़ा है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला आपको दिखेगा। इंपॉर्टेंट कहने का सेंस ये कि ज्यादा यूजफुल। ओके तो ये पहले तो माइंड सेट कर लो कि ऐसा होगा, और ऐसा होने में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आने वाला है वो यहाँ इन्वर्स होने के साथ, जब तुम अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करोगे तो एरर के चांसेस बढ़ेंगे, कैलकुलेशन में एरर के चांसेस बढ़ेंगे। तो बहुत डरना नहीं है, आप थोड़ा सा अलर्ट रहोगे तो प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। पहले तो हम लोग इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता करें। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए क्या करोगे, y स्क्वायर का वैल्यू 4x इसमें पुट कर देते हैं तो कितना होगा, एक 4x स्क्वायर तो पहले से था, 4y स्क्वायर के बदले में 4x मींस 16x इज इक्वल टू 9। अब आप इसको लिख सकते हो 4x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। देखो 9 4 जा 36 तो 18 2 जा 36 तो हम लोग लिख लें इसको प्लस 18x माइनस 2x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब आप देखो इसमें से 2 कॉमन ले लो तो 2x कॉमन लो, नॉट ओनली 2 2x कॉमन ले लो तो 2x तो 2x प्लस 9 माइनस 2x माइनस 9 में 1 कॉमन ले लो माइनस 1 तो 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सो 2x प्लस 9 इनटू 2x माइनस 1 वी गॉट टू वैल्यूज ऑफ x हियर, x इज इक्वल टू इससे 1 बाय 2 एंड x इज इक्वल टू माइनस 9 बाय 2। Clearly, it is not admissible, not admissible. मतलब ये हम लोग नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? देखो y square equal to 4x एक right handed parabola है जिसमें कभी भी x negative नहीं होगा, इसलिए ये तो admissible है ही नहीं, इसको तो भूल ही जाओ। अब इसके बाद graph draw करो पहले, तब बात समझ में आएगी। graph draw करने में point of intersection 1/2 हो गया ये, तो पहले सबसे पहले पैराबोला का नहीं बनाते। सबसे पहले हम लोग कभी भी इस तरह का सिचुएशन आए जहां कहीं सर्कल दिखाई दे तो पहले सर्कल ड्रॉ करते हैं, उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के हेल्प से पैराबोला या किसी भी दूसरे कर्व को ड्रॉ करते हैं। देखिए इसमें ये जो है वो एक सर्कल का इक्वेशन है जिसमें देख रहे हो कि रेडियस 3/2 है, 3/2 का होल स्क्वायर है और उसका सेंटर कहां पर है तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इसका मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो ओरिजिन पर है। तो 3/2 पहले तो आप अपने मन से एक सर्कल ड्रॉ कर लो, इसको असाइन कर दो इसके रेडियस के इक्वल 3/2। इज इट क्लियर? इधर माइनस 3/2 होगा, नॉट नीडेड। इज इट? अब देखो बेटा इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां है पैराबोला का, इस पैराबोला का और इस सर्कल का, वो है 1/2 पर। तो 1/2 आप लगभग कहीं पर होगा, देखो 3/2 है तो लगभग यहां मान लो 1/2,
इसका मतलब यह हुआ कि इसी लाइन पर इन दोनों पॉइंट से पैराबोला अपना पास करता होगा, तभी तो x का वैल्यू 1/2 जहां है वहां हम लोग देख रहे हैं कि पैराबोला और सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, तो अब पैराबोला बन गया, कोई मुश्किल काम नहीं। ऐसा क्लियर, ये अपना पैराबोला हो गया, आपका रफ स्केच जैसे ही हो गया, आपका काम कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, आपको पहले एरिया समझना है कि आखिर आपको कौन से एरिया का को फाइंड करना है। तो देखिए भाई, आपके पास इनइक्वालिटीज थे, ये तो नहीं था, तो इनइक्वालिटीज में पुट करने के लिए कोई एक ले लो, जैसे मान लो कि ये पैराबोला है, ये सर्कल है, कोई एक पॉइंट मान, यहां पर एक पॉइंट होगा 1 0, कोई पॉइंट ले सकते हैं, इधर का भी कहीं का भी। ओरिजिन इसलिए नहीं लेंगे कि ओरिजिन सर्कल के भीतर है, लेकिन इसके पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट ले लो, चलो यहां पर ले लेते हैं 1 0 होगा, यहां पर 1 0 को सेटिस्फाई करवाने की कोशिश करें, यहां पर कहीं पर होगा 1 0, 1 0 को सेटिस्फाई करवाने की कोशिश करें दोनों में, तो सर्कल में 1 0 पुट करो। सर्कल वाला इक्वेशन ये था, एक्स का वैल्यू 1, एक्स का वैल्यू 1, 1 0 में ले रहा हूं, तो एक्स का वैल्यू 1 और वाई का वैल्यू 0, तो ये 1 4 हो गया, ये 0 हो गया, तो 4 इज लेस देन 9, करेक्ट 1। इसका मतलब ये जो पॉइंट मैंने कहा, ये पॉइंट इसमें इसको सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब ये पॉइंट हमारे लिए है। इसका मतलब ये हुआ कि सर्कल का जो इनर पार्ट है वो हमको लेना है। ओके, नाउ चेक फॉर दिस वन, एक्स का वैल्यू 1, वाई का वैल्यू 0, ये 1 और ये 0, तो 0 इज लेस देन 4, करेक्ट 1। इसका मतलब ये पॉइंट इस पैराबोला को भी से रिलेटेड इनइक्वालिटी को भी सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रीजन होगा, इसके भीतर वाला रीजन और सर्कल के भीतर वाला रीजन में जितना रीजन अपना होगा आंसर, ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक, इज इट क्लियर। तो ये अपर पार्ट का हम लोग एरिया फाइंड कर लें और उसको डबल कर देंगे तो लोअर का भी होगा, इसलिए ये भी सिमेट्रिक फिगर, सर्कल भी सिमेट्रिक फिगर, तो हम लोग इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। चलिए हम लोग पहले तो एक स्ट्रिप इधर बनाए, क्यों ऐसा किया हम लोगों ने, क्यों हम लोगों ने किया ऐसा, ऐसा हम लोगों ने इसलिए किया कि देखिए इस स्ट्रिप का जो अपर पार्ट है, इसके एक्सपेंशन के ठीक बाद अपर पार्ट यहां से सर्कल पर आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि वाई कोऑर्डिनेट जो हम लोग इसका इस कर्व के लिए लेंगे वो यहां के बाद वैरी कर जाएगा। इसका मतलब हम लोग इससे इस स्ट्रिप के हेल्प से इतना ही का एरिया फाइंड कर सकते हैं, इस स्ट्रिप के हेल्प से इतना का एरिया फाइंड कर सकते हैं। चलिए पहले इक्वेशन लिख डालते हैं, ये पैराबोला का इक्वेशन था, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, और सर्कल का इक्वेशन अपने पास है 4, या यही लिख लेते हैं, चलिए 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। नाउ एरिया ऑफ दिस पार्ट, साफ बात है कि डबल होना चाहिए दोनों इंटीग्रेशन का, तो पहले हम लोग लें 0 से लेकर के 1/2 अपर लिमिट। स्ट्रिप का हाइट इसके वाई कोऑर्डिनेट से आएगा जो कितना होगा रूट अंडर 4x, मतलब 2√x माइनस नहीं, बस इतना ही, 2√x, ये वाला अपने पास हो गया, इतना dx इस स्ट्रिप का 0 से 1/2 के बीच में, प्लस फिर हम लोग 1/2 से पता करें 3/2 लिमिट के बीच में इस स्ट्रिप से, इस बार y इस सर्कल के इक्वेशन से मिलेगा, और y का वैल्यू हम लोग फाइंड कर करके लिख सकते हैं कितना, इसको उधर ले जाओ, 9 माइनस 4x स्क्वायर, और उसके बाद फिर डिवाइड कर देंगे 4 से, तो 1 और उसके बाद स्क्वायर रूट। देखिए ऐसा मैं ऐसा कर रहा हूं कि 4y² इज इक्वल टू 9 माइनस 4x स्क्वायर, फिर हम लोग y स्क्वायर पता करेंगे तो होगा 1/4 अंडर, सॉरी y पता करेंगे तो होगा इतना 9 माइनस 4x स्क्वायर / 4 का अंडर रूट, दैट मीन्स ये बाहर कर लेंगे तो 1/2 अंडर रूट 9 माइनस 4x स्क्वायर dx,
Is it clear? देखो इस फॉर्मेट में आ गया. Is it? देखिए काम सिंपल रहा. इस टू को अगर बाहर कर ले इंटीग्रेशन के, तो इसका रूट एक्स का इंटीग्रेशन हो गया अपने पास 3 बाई टू पावर में, नीचे 3 बाई टू तो 2 ऊपर, 2 बाई 3 एक्स टू दावर 3 बाई टू. ये हो गया 0 से लेकर के 1 बाई टू. यहां फिर आओ, ये एक काम करते हैं हम लोग, ये इसमें हम लोग स्मॉल ब्रैकेट ले लें सो दैट ये 2 सबसे मल्टीप्लाइड हो. इज इट, ये 2 सबसे मल्टीप्लाइड है प्लस इसमें अगर हम लोग पता करें तो 1 बाई टू इंटीग्रेशन के बाहर ये 9 माइनस 4 एक्स स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, 9 माइनस 4 एक्स स्क्वायर का मतलब 3 स्क्वायर माइनस 2 एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा फील करो. तो एक्स वाई टू, एक्स वाई टू मतलब 2x, 2x वाई टू इंटू इंटू यहां 1 बाई टू पूरे से, इस पूरे से मल्टीप्लाइड होगा. तो चलिए इसमें हम लोग एक कर्ली ब्रैकेट कर लेते हैं, 2x by 2, x by 2 अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, मतलब जो अंदर लिखा हुआ है एग्जैक्टली वही 4x स्क्वायर. फिर कितना लिखेंगे, प्लस a स्क्वायर by 2, a स्क्वायर by 2 यही a स्क्वायर है तो 9 by 2. फिर कितना लिखेंगे, साइन इनवर्स x by a, तो x यहां अपने पास है 2x, 2x by a, a means कितना, ये 9 है तो 9 का हो गया 3. Is it? अभी एक बात हम लोग मिस कर रहे हैं, वो ये कि इसके, इसका जो 2x है इसके डेरिवेटिव से हम लोग डिवाइड करते हैं पूरे पार्ट को. ये नहीं समझना कि ये जो डिवीजन होगा वो केवल इस पार्ट का होगा, नहीं, इस पूरे पार्ट को. तो इस पूरे पार्ट को अगर हम लोग करेंगे तो यहां पर एक 2 होगा. इज इट, अपने पास इसका लोअर लिमिट हुआ, लोअर लिमिट 1 बाई 2, अपर लिमिट 3 बाई. Is it? आप एक बार इसको देखो फिर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं. ओके चलिए देखिए अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं. देखो ये जो है अपने पास 4 बाई 3, इसको हम लोग बाहर लिख लें तो इज इक्वल टू ये 2 बिगर ब्रैकेट, ये अपने पास 4 बाई 3, फिर इसमें अपर लिमिट रखेंगे 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 टू द पावर 3 बाई 2, कहने का मतलब ऐसा 1 बाई 2 टू द पावर 3 बाई 2. सिंस आप सीधा सीधा समझो 2 टू द पावर 3 बाई 2, इसका मतलब कितना हुआ 2 रूट 2, तो 1 बाई 2 रूट 2, तो इंटू 1 बाई 2 रूट 2. आप थोड़ी देर के लिए इसका वैल्यू पुट कर लो, माइनस लोअर लिमिट 0, तो ये पूरा का पूरा 0, ये रहने दो. फिर उसके बाद आओ यहां, ये हो गया 1 बाई 4. आप इसको चाहो तो कैंसिल कर लो यहां, तो ये बचा आपका 1 बाई 4 कर्ली ब्रैकेट. हम लोग वैल्यू पुट करें, एक बार 3 बाई 2 रखेंगे x के बदले में. देखिए आप जैसे ही 3 बाई 2 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 9 बाई 4 कैंसिल, तो 9 9 माइनस 9 0, ये पार्ट 0 हो जाएगा. तो जैसे ही आप 3 बाई 2 रखते ये पार्ट 0 हो गया. अब बचा कितना, ये बचा 9 बाई 2. साइन इनवर्स, यही मैंने कहा था कि यही आपको दिक्कत होने वाला है. तो ये जैसे ही लिखोगे 3 बाई 2, तो 3 बाई 2 2 नीचे होगा, ये कैंसिल होकर के पूरा का पूरा बचेगा 1, तो साइन इनवर्स 1. इज इट, फिर उसके बाद हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से लोअर लिमिट के वैल्यूज को पुट करके. तो आप देखो यहां तो 1 बाई 2 होगा, चलिए 1 बाई 2 लिखते हैं,
फिर आप देखो यहां जैसे ही 1 बाई टू रखो तो ये 1 बाई फोर होगा, 1 बाई फोर मीन्स कैंसिलेशन के बाद 1 बचेगा, तो 9 माइनस 1 8, 8 मीन्स कितना 2√2, तो ये हो गया अपने पास 2√2 इंटू 2√2 इज इट प्लस 9 बाई टू ये। फिर साइन इनवर्स यहां हम लोग 1 बाई टू रखेंगे, 1 बाई टू, 2 नीचे होगा तो कैंसिलेशन के बाद बचेगा 1 बाई थ्री, तो साइन इनवर्स 1 बाई थ्री इज इट। थोड़ा अलर्ट रहना, इसमें वैल्यू पुटिंग में थोड़ा एरर होता है, तो जैसे ही बोर्ड में अगर ये क्वेश्चन हो तो थोड़ा अलर्ट रहना, थोड़ा कॉन्शियस रहना, डरना नहीं, डरोगे तब तो एरर होना ही होना है। चलो देखो, अगर इसमें बचा 2√2 बचेगा, इसमें 2√2 ये तो जीरो हट गया, तो 2√2 अपने पास यहां ये एक जो है 2 इससे कैंसिल कर लेते हैं, ये अभी पहले रहने दो, तो 2 कैंसिल हो गया तो 2 बचा, फिर इससे करोगे तो √2 बाई 3 बचेगा इज इट क्लियर प्लस 1 बाई 4। अब आप देखो ये कितना हो गया 9 बाई 2, और ये साइन इनवर्स 1 का मतलब हो गया पाई बाय 2। साइन इनवर्स 1 का मतलब वो एंगल जिसके लिए साइन का वैल्यू 1 होता है, तो वो एंगल हो गया 90 डिग्री। ओके, अब चलिए इसमें भी माइनस हम लोग कर लेंगे, तो माइनस ये हो गया कैंसिलेशन के बाद √2, इसके बाद इसमें माइनस 9 बाई 2 साइन इनवर्स 1 बाई 3। अब हम लोग इस ब्रैकेट को ओपन कर लें, तो ये हो गया 2√2 बाई 3, ये जब करेंगे ओपन तो 1 बाई 2 हो जाएगा, 1 बाई 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, एक स्टेप और 1 बाई 2, ये हो गया अपने पास 9 पाई बाई 4 माइनस √2 माइनस 9 बाई 2 साइन इनवर्स 9 बाई 8 9 बाई 2 साइन इनवर्स 1 बाई 3। इट सीम्स मस्ट बी चेक इट। देखो 2√2 बाई 3, यहां से अगर मैं इस दोनों पार्ट को रहने दूं, इसको मैं बाहर कर लूं, तो होगा माइनस, इसमें अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं पहले इसके साथ, तो ये √2 बाई 2 दैट मीन्स 1 बाई √2 ओके, इन दोनों को मैंने पहले मल्टीप्लाई किया, अब ये देखो 9 बाई 4 9 बाई 2 में कॉमन ले लेते हैं 9 बाई 2 को, देन वी हैव इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट पाई बाई 2 हेयर, और इस तरफ माइनस साइन इनवर्स 1 बाई 3। क्लियरली इट नीड्स सम अटेंशन सम कंसंट्रेशन, अदरवाइज द सॉल्यूशन विल नॉट बी करेक्ट वन। देखिए इसमें अगर हम लोग एलसीएम ले लें, इट विल बी 3√2 √2 से मल्टीप्लीकेशन के बाद 4 माइनस 3 से मल्टीप्लीकेशन होकर के 3 प्लस 9 बाई 2, ये हो गया पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1 बाई 3 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 बाई 3। देखिए इसको मैंने यूज किया कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2, दैट मीन्स पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। आप घबराना नहीं, एग्जाम में कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको कॉस इनवर्स में चेंज ही करो, एकदम नहीं डरना, आपका रियल आंसर यही है, डरना नहीं है कि इसका सिंप्लीफिकेशन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंप्लीफाई करना नेसेसरी है, नो नेवर इज इट, सिंप्लीफाई करके रिप्रेजेंट करना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन आप इससे बहुत नहीं डरो, बहुत चिंता नहीं करो कि ये कॉस इनवर्स लिखना ही है, इनवर्स ये प्रॉपर्टी नहीं याद है तो कैसे मैं सॉल्यूशन लिखूंगा, नो नेवर थिंक लाइक दैट। ओके, सो इट इज 1 बाई 3√2 प्लस 9 बाई 2 कॉस इनवर्स 1 बाई 3 स्क्वायर यूनिट्स, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ऑब्वियसली दिस वन इज अ लिटिल बिट लेंथी क्वेश्चन,
जहां कहीं भी सर्कल आएगा वो गोल गोल घुमाएगा आपको, वहां ये वाला सिचुएशन आने वाला है, इसके लिए आप तैयार रहो।